यहाँ पे साबुदाना को ना सोक कर दिया है, तो जितना साबुदाना उससे उंगली के यहाँ तक थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा लेना है, उसको ढक के रख देंगे। हेलो माय लवली लवली एमबी फैमिली, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी ब्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो आज है सैटरडे की इवनिंग एंड डेकोरेशन, तो अभी आपको पता ही है अभी तो हटेगा नहीं जब तक सब टूट टूट के गिर ना जाए या फिर फूट ना जाए, तब तक हटेगा नहीं। एक चीज अन्या ने हटाने को नहीं दिया है, इनफैक्ट मैं हटा भी नहीं रही हूँ, अच्छा लग रहा है ना। जब तक ये सजा इतनी मेहनत से सजाया है तो भाई बैकग्राउंड में आपको दिखते रहना चाहिए ना कि अन्या का बर्थडे था। एंड आई नो बहुत पेशेंटली आप लोग वेट कर रहे हो अन्या के बर्थडे व्लॉग का। सो जब ये वाला व्लॉग देखोगे उससे पहले तो देख ही चुके होंगे अन्या का बर्थडे व्लॉग आप सब। सो यस एंड विशेस तो इतने आपने भर भर के भेजे हैं, तो फिर से थैंक यू। और यस अन्या के बर्थडे मेरा, हम इतने हड़बड़ी में थे, मतलब सुभाष निकल रहे थे और पार्टी और ये वो, कि मैं आप सबको केक खिलाना ही भूल गई। सो फ्रेंड्स जस्ट मेरी तरफ से बहुत सारा थैंक यू, और जो केक हम कट रहे थे उसमें से थोड़ा सा आपके लिए सॉरी यार, एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्चुअली ना उस दिन बहुत, यू कैन अंडरस्टैंड। चाय चढ़ाते हैं और अनन्या गई है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए। बहुत दिनों से इतनी बारिश हुई थी पता ही है आपको। सो फाइनली आज जाके हल्की सी जो धूप होती है ना वो निकली है, इतने टाइम बाद आज धूप आई थी। तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाला था, अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली फॉलो कर देना, सेम नाम से है मानसी ब्लॉग्स नाम से ही है। सो आज हल्की सी धूप निकली थी तो इतना अच्छा लग रहा था ना हल्की धूप में बालकनी में, मैं तो थोड़ी देर जाके ना खड़ी हो गई कि थोड़ी सी धूप लग जाए कपड़े धोए फटाफट और कपड़े लगाए बाहर, मैंने कि थोड़ी सी कपड़ों में भी धूप लग जाए ना, जितना भी फैन के नीचे सुखा लो सूख जाते हैं, बट वो धूप से जो कपड़े सूखे होते हैं ना कड़क वाले, उनकी बात ही अलग होती है। चलो एनीवेज चाय चढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स चीयर्स है शाम की चाय के साथ, सभी अकेले अकेले ही चाय पी रही हूँ। सुभाष को इस टाइम पे स्पेशली बहुत मिस करती हूँ, बिकॉज सुबह तो चलो मैं अकेले ही काफी बार पीती हूँ बिकॉज वो सो रहे होते हैं, बट इस टाइम पे हम लोग साथ में पीते हैं। चलो एनीवेज, लेकिन वो अभी तक पहुंचे नहीं है, ब्राजील पहुंच गए हैं, बट उनका जो रियो है ना, रियो से थोड़ा सा आगे है उनका जो एक्चुअल उनका जो ऑफिस वगैरह है, सो अभी तक पहुंचे नहीं है। तो वो निकले थे थर्सडे को शाम को 8 बजे और अभी हो रहा है सैटरडे 7 बज रहे हैं अभी। सो मतलब अभी तक पहुंचे नहीं है, अभी भी 3-4 घंटे और लगेंगे फाइनली पहुंचने के लिए। बहुत ही ज़्यादा बहुत दूर है, एक्चुअली काफ़ी दूर है। पहले यहाँ से इतना ज़्यादा हेक्टिक था ना, यहाँ से मुंबई गए, मुंबई में एयरपोर्ट में 3-4 घंटे बाद फ्लाइट पकड़ी, वहाँ से दुबई गए 3 घंटा, दुबई में 1 घंटे बाद आई गेस उनकी फ्लाइट थी, फिर 15 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट थी, फिर वो पहुंचे साओ पोलो और वहाँ पे ब्राज़ील में, और वहाँ पे फिर उनका 5 घंटे का एयरपोर्ट पे वेटिंग था, उसके बाद 1 घंटे का फिर फ्लाइट था, फिर वो रात को काफ़ी लेट हो गए थे तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही होटल बुक किया। सो अब जाके शायद वो कैब में है और शायद फाइनली जो उनका डेस्टिनेशन है वहाँ रियो, रियो के वहाँ वहाँ से थोड़ा सा और आगे है तो वहाँ जा रहे हैं। सो वेरी हेक्टिक वेरी लॉन्ग जर्नी। चलो मेरा तो चाय हो गया और ये देखो इस लड़की का ना सच्ची, मैंने अभी देखा इसने दूध नहीं पिया, इतना बोला ना दूध पी के जा, तैयार होके भाग गई, दूध छोड़ दिया उसने। सो जब तक इनके हाथ में पकड़ा के मुंह में डाल ना दो ना तब तक ये पीते नहीं है यार, छोड़ के चली गई, मैंने इतना बोला ना पीले छोड़ दिया। मुझे दूध से ना बड़ा वो है कि मतलब कम से कम 2 गिलास दूध तो पीना ही चाहिए उसको, छोड़ गई। देखो मलाई भी इतनी सारी इकट्ठी हो गई है, इसका भी घी बनाना पड़ेगा। ये मैं जनरली ना छोटी कटोरी में करती हूँ क्योंकि बड़ा एक साथ में बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर इस बार बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो अभी तो मन नहीं कर रहा, मे बी कल करेंगे इसको। सो चलो करते हैं डिनर की प्रिपरेशन। सो मैंने आलू बॉईल किए थे ना, वही आपका साबुदाना सूप किया था ना, सो अनन्या बोल रही थी साबुदाना बड़ा खाना है उसको, देखते हैं बोल के देखते हैं अगर साबुदाना का ना वो थाली पी टाइप होता है ना डोसा टाइप, उसमें कम ऑयल होता है, बड़ा में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, बट आई एम श्योर वो बड़ा ही बोलेगी। तो ये रेसिपी तो मैंने बहुत बार शेयर किया है, तो चलो आज एक बार और दिखा देते हैं। तो साबुदाना को सोक कर लिया था कम से कम 4-5 घंटा पहले कर दो, या फिर मेरे ये वाले साबुदाना ना जल्दी हो जाते हैं तो मैंने शाम को ही कर दिया था। तो इसमें डाल रही हूँ आलू लिया है, उसमें डाल रही हूँ साबुदाना, मैं थोड़ा ज़्यादा ही लिया ना, मॉर्निंग में भी हो जाएगा हमारे नाश्ते में। मूंगफली है उसको सिंपल रोस्ट कर लिया था बिना ऑयल के और उसको पीस लिया है। इसमें डालेंगे धनिया, बाकी वही मिर्ची, लाल मिर्च, आप हरी मिर्च डाल सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है हरी मिर्च का, लेकिन ना अन्या को तीखा लगता है बहुत ज़्यादा, तो नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अन्या इज बैक और अन्या अपना नोट्स वगैरह जो स्कूल का है ना वो कम्प्लीट कर रही है, उसके बाद डिनर करेगी, फिर अन्या मूवी देखेगी। आजकल अन्या का नया हो गया है मूवी नाइट विथ मम्मा, हाँ वीकेंड है और विदाउट पापा हम कल देख रहे थे सोनिक द हेडजॉग
और मम्मी बोली कि पापा के मूवी से भी बेटर है। अनन्या ने चूज किया था सोनिक द हेजहॉग, एक्चुअली बहुत अच्छी मूवी है, अगर नहीं देखा ना तो बच्चों के साथ बैठ के आप पक्का देख सकते हो। अनन्या ने ही चूज करके निकाला वो मूवी, तो काफी अच्छी थी वो मूवी, बहुत अच्छी मूवी थी। फिर अनन्या ने आज दोपहर को बैठ के होम अलोन देखा, मम्मा सो रही है पापा है नहीं, तो अनन्या इज होम अलोन, है ना। चलो ये डोसा ही खाएगी, ये वड़ा ही खाएगी, डोसा नहीं खाएगी साबुदाना का वड़ा। ओके, बहुत ज्यादा ऑयली होता है ना, सोच लिया अभी भी इसको वड़ा ही पसंद है। जैसे हमारे वो बनाते हैं ना वड़ा के लिए, इस तरह से हम गोला बना के हल्का सा इसको फ्लैट आउट कर लेंगे ऐसा। ये है, बस इसको ऑयल में फ्राई कर लेना है। तो अनन्या के लिए ही बना रही हूँ, मेरा तो मतलब मन नहीं है रात को, वो भी इतना फ्राइड मुझसे नहीं खाया जाता, बच्चों का सब चलता है, तो उसी के लिए बना रही हूँ। पहले सुभाष के पे जाते थे ना, मतलब मैं अकेले रहती थी ना, तो ऐसे कुछ मन ही नहीं करता था कुछ बनाने का, बिकॉज अपने लिए अकेले के लिए ऐसे ना क्या बनाए यार, ऐसे मन ही नहीं करता, कुछ भी खा के टाइम पास करते थे। लेकिन अकेले अनन्या है तो मतलब उतना बिजी रहते हो ना आप, तो उतना वो फील नहीं होता है, अकेले अकेले आप ज्यादा मिस करते हो, यू नो समझ में नहीं आता पूरा दिन कैसे स्पेंड करें। सो बच्चा हो जाता तो यही है, पढ़ाओ लिखाओ उठो स्कूल अटेंड करो खाओ अनन्या पियो अनन्या, तो इसी में पूरा दिन निकल जाता है और अच्छा लगता है। चलो कुछ बनता है तो मैं भी खाती हूँ ना, पहले तो मैं ऐसे ही टाइम पास कर दिया, क्या बनाना छोड़ो मूवी खा लिया मुरमुरा खा लिया ऐसा। सो ऑयल को हल्का सा मीडियम में रखा है, उसमें हम इसको फ्राई कर लेंगे। जोर से छटक के आया तक बड़ा बन रहा है, तब तक ना मैं लहसुन भी छील के रख देती हूँ। तो लहसुन छील के ना मैं ऐसे कांच के जार में रख देती हूँ फ्रिज में, तो कभी जल्दी हो ना खाना बनाने की तो फटाफट हो जाता है। और ये साथ में से बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि लहसुन को ना भिगो के रखूँ तो वो गर्म पानी में, तो वो बहुत अच्छे से आपका एक मिनट चिपक गया है, तो बहुत अच्छे से छिल जाता है, तो मतलब ऐसे अब मेरे को जल्दी रहती नहीं है, बिकॉज मैं पहले से छील के रखती हूँ ना, और गर्म पानी में डाल के मुझे ऐसा लगता है ना कि लहसुन का टेस्ट ही थोड़ा सा डिफरेंट सा हो जाता है। तो सबसे पहले इस पे लगाते हैं टिश्यू पेपर, और यहाँ पे ये बन गया, इसको निकाल लेंगे। एक मिनट, एक हाथ से करना बड़ा मुश्किल होता है। सो ये रहा गर्मा गर्म बड़ा। हमारे इसको बोला कि अनन्या अभी गर्म है ठंडा होने दे, कहती मैं फूं मार मार के खा रही हूँ, और वहीं पे दूध का ग्लास छोड़ के दिया, इसकी गर्म है करके, इतना सा भी गर्म हो ना तो ऐसे उसको लगता है कि जैसे लगता है कि बिल्कुल आग रख दिया हो वहाँ पे ना, आग सिकता हुआ रख दिया है। ऐसे तो है ना दूसरा खाना फूक मार मार के नहीं खाती हूँ, मम्मा बहुत गर्म हो रहा है बहुत गर्म हो रहा है, अभी नहीं खा रही बाद में खा रही हूँ, है ना। एक काम करो कॉपी बंद करो, ऑयल लग जाएगा उसमें, खा लो पहले फिर आप बाद में काम कर लेना। पसंद की चीज़ बना दो तो गर्म मिर्ची कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब चला जाता है, और जो पसंद नहीं होता है उसमें तीखी हो जाती है बहुत ज़्यादा, मिर्ची नहीं भी डाल तो भी बहुत तीखा हो जाता है ना, और बहुत गर्म हो जाता है। तारीफ कर रही हूँ आपकी। I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. So, चलो किचन का काम सारा डन, बस मैं अपनी थोड़ी देर में ना दूध गर्म करूंगी। पूरा साफ कर दिया है स्लैब वगैरह। तो धूप थी ना, कपड़े बाहर रखे थे, मतलब बहुत तेज धूप नहीं थी बट थोड़ा बहुत आज अच्छी धूप थी ना, रखे तो कपड़े बाहर रखे थे, पर रात को घुसा लेते हैं बिकॉज जो सूखे हैं बना हुआ रात को सारे गीले हो जाएंगे। अच्छा सर ने बारिश हो रही है, पता है हो रही है, ड्रिजल हो रहा है क्या? ये काम ना सुभाष का है, कपड़े अंदर बाहर करना। आज मम्मा सुबह सुब्बू बुला रही थी। मेरे को जब भी सुभाष का कोई काम होता है जो मैं कर रही होती हूँ ना, मैं ऐसे ही बोलती हूँ सुब्बू, तो यार अनन्या बता रही है मिस कर रहे हैं उसको हम, है ना। सो अनन्या ने डिसाइड किया मूवी का? नहीं मैं देखूंगी। देखो सो हो गया सारा काम, अभी मैं करने वाली हूँ नाइट टाइम रूटीन। सो ये है रेटिनॉल, तो जैसे मैंने बताया था मैं लगाती हूँ ऑल्टरनेट डे पे एक बार लगा लेती हूँ। सो बेसिकली आपके फाइन लाइंस रिंकल्स उनको हटाता है। सो बस यही है फिलहाल मेरे नाइट केयर रूटीन में,
और इसके बाद मॉइस्चराइजर। जाना लेट हो रहा है, फिर मूवी लेट हो जाएगा। तो मैं इंजॉय करने वाली हूँ एक ग्लास वॉर्म मिल्क। सो मैं और सुभाषना हमेशा रात को सोने से पहले दूध पीते हैं एक ग्लास, मतलब अच्छा रहता है ना आपकी नींद के लिए, अच्छा रहता है, अच्छी नींद आती है और वॉर्म वॉर्म सा आदत है मतलब हमारी। और अरण्या फाइंड आउट कर रही है मूवी एक अच्छे से, जो मैं और अरण्या इंजॉय करने वाले हैं। अच्छा सैटरडे नाइट है तो मूवी तो बनता ही है ना अरण्या, छुट्टी है कल संडे, लेट उठेंगे आराम से। तो हम लोग देख रहे हैं अभी मूवी अप है ना, बहुत ही अच्छी मूवी है, आप यू नो डेफिनेटली देख सकते हो। अगर नहीं देखी ना अभी तक तो बच्चों के साथ बैठ के ना, बहुत क्यूट सी मूवी है। यस थम्स अप फ्रॉम अनन्या। सो ये रात को सब दोनों एक्स्ट्रा बनाया था ना, वो बच गया है, आज मॉर्निंग में यही ब्रेकफास्ट बनेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ पे चढ़ा दी है चाय और दूध गर्म करने को रख दिया है। सो आज इतना लेट उठे ना, 9:30 हो रहे हैं शायद अभी तो, चलो बट उतना टेंशन नहीं है बिकॉज मसाला रेडी है, सिर्फ नाश्ता चढ़ाना है। अरे अभी भी सो रही है, उसको सोच रही मैं कि उठाऊँ कि नहीं उठाऊँ। चलो एनीवेज पहले चाय पीते हैं। सो नाश्ता वगैरह सब हो गया, अब इसका काम पहले करती हूँ वरना ये फिर रह जाएगा और बहुत ज़्यादा इस पर इकट्ठा हो गया है। सो चलो घी बनाते हैं। और अनन्या आजकल इतना बिजी हो गई, अनन्या जब से अनन्या को ये डायरी मिली है, देखो ये वाली डायरी उसकी बर्थडे वाली, तब से अनन्या ने डायरी राइटिंग स्टार्ट कर दी है। सो हर रोज़ के इवेंट्स जो उसको लगते हैं वही ना, क्योंकि मुझे नहीं पता, सीक्रेट डायरी है तो आई एम नॉट अलाउड टू रीड। अनन्या पूरे दिन का कुछ तो लिखती है इसमें, क्या लिखते हो कुछ तो बता दो। डेली लाइफ। अच्छा डेली लाइफ लिखती है जो मुझे नहीं पता क्या है। सो कपड़े भी सभी सूख गए हैं, उसमें से निकाल लूँगी अभी ना जो सूखे हुए हैं, जो थोड़े से ऐसे गीले गीले लग रहे हैं ना बाहर डाल दूँगी, बिकॉज थैंकफुली आज थोड़ी सी धूप आई है, मतलब धूप छाव लगी है बट कपड़ों में थोड़ी सी ना धूप लग जाएगी। सो मैं ना मलाई जमाती हूँ, जो मलाई रखती हूँ ना फ्रीजर में रखती हूँ, उसमें दही वगैरह कुछ नहीं डालती और सिर्फ पानी डाल के उसको घुमा लेती हूँ। तो जब अगर आपका ट्रांसपेरेंट मिक्सी है ना, ऊपर से दाने दाने दिखने स्टार्ट हो जाएंगे ना, इसका मतलब समझ लो कि आपका मक्खन अच्छे से निकल गया है। और आप उसको निकाल लो, देखो ऐसा ऐसा। अभी चढ़ा रही हूँ थर्ड बैच, मलाई ज़्यादा हो जाए ना तो ऐसे ही होता है, बार बार चढ़ाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं ना कम में ही बना लेती हूँ। फाइनली द लास्ट बैच, सो दिस इज़ द फोर्थ वन। ये तो अच्छा है कि यू नो मेरे पास डिश वॉशर है तो बहुत ईजिली सारे घी वाले बर्तन साफ हो जाते हैं, वरना घी बनाओ ना तो बर्तन साफ करना इज लाइक अ ह्यूज टास्क। तो फाइनली बन गया मक्खन, देखो कितना सारा बना है। तो इसको चढ़ा देंगे तो धीरे धीरे होता रहेगा। तो अभी मक्खन को ऐसे टिल्ट करके रख दिया है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो ऐसे निकल जाए और मक्खन जो है वो साइड में आ जाए, तो जो नीचे वो इकट्ठा होता है ना ब्राउन ब्राउन वो कम होता है। तो अभी इसको ऐसे ही मैं 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, तो सारा का सारा जो पानी है मैं निकाल लूंगी। और इस पानी को आप रख सकते हो बाद में आटा गूंदने के लिए या फिर कड़ी वगैरह बनाने के लिए। सो घी चढ़ा देंगे यहाँ पे, मक्खन चढ़ा देंगे बेसिकली घी बनाने के लिए। और स्लैब भी मैंने पूरा साफ कर लिया ना, बहुत पिच पिच हो जाता है, तो ये अभी धीरे धीरे आई थिंक 10-15 मिनट लगते हैं मैक्सिमम हो ही जाता है। घी चढ़ा दिया, अभी लंच का देखना है। मैं लंच में सोच रही हूँ सिंपल सा ही कुछ बनाते हैं। अन्ना दाल चावल खाएगी? बाप रे, अन्ना न्यूज़पेपर पढ़ रही है। क्या न्यूज़ है फिर आज की अन्ना? क्या पढ़ा कुछ तो बताओ, पता तो लगे क्या पढ़ रहे हो। Four kids among four oofed as rain wreaked havoc in Kerala. Oofed क्योंकि killed word है तो उसको उसने कर दिया ऐसा। बच्चों के न्यूज़ उसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है। केरला वगैरह में सब जगह बहुत बारिश हो रही है। सो देखते हैं आज दाल चावल या फिर खिचड़ी कुछ तो बनाएंगे। चलेगा ना? मैगी बना दूँ? देखो घी भी ऑलमोस्ट होने वाला है, चावल यहाँ पे चढ़ा दिया है और यहाँ पे मसाले वाला दाल बनाऊंगी मिक्स दाल, तो उसके लिए मसाला फ्राई हो रहा है। तो घी बन गया है यहाँ पे, मैंने बंद कर दिया है तो हल्की हल्की ब्राउनिंग दिख रही है आपको, तो इसी पॉइंट पे इसको बंद कर देना, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा बस इसको छान लेंगे। सो इतना इजी है घी बनाना। तो अनन्या लेके बैठी अपने सारे गिफ्ट जो उसको मिले हैं, तो अनन्या फटाफट बताओ ना, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्या क्या मिला रहे? स्क्विशी है। ओके नेक्स्ट, नीचे रखते जाओ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये नीचे ऐसे रख दो। ये एलोवेल डॉल पापा की तरफ से ये तो आपने देखा, ये एलोवेल डॉल्स, ये एलोवेल डॉल का ये भी मैं नीचे रख देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लाइडोस्कोप। यस, ये रिटर्न के बच्चों को गया है तो अनन्या को भी नहीं दिखेगा। अनन्या नहीं दिखे, लाओ लाओ तो दिखाओ। ऐसा इसके अंदर डिफरेंट ऐसा शेप्स बनते हैं इसके अंदर ना, दिख रहा है वैसे अनन्या? नाइस आइडिया, थोड़ा ऐसे डिफरेंट शेप्स बनते हैं ऐसे।
सो बहुत अच्छा है रिटर्न गिफ्ट ना, काफ़ी अच्छा है। सो ये यूनिकॉर्न का क्योंकि थीम था तो हमने यूनिकॉर्न ट्राई किया कि जितना आ सके उतना। यस नेक्स्ट ये भी देखा है, पॉपअप ब्रेसलेट, ये भी हमने रिटर्न गिफ्ट में दिया है। तो इन्हें को भी एक मिला है, जो इन्होंने हेयरबैंड पहना है ये भी हमने दिया था। यस ये ऑलरेडी वीडियो में गया है बर्थडे वाले। नेक्स्ट ये मेरे बर्थडे मंथ में मम्मा पापा ने दिलाया था, ये अम्ब्रेला और ये पेन। यस ये एक यूनिकॉर्न पेन आइनिया को, उसको डायरी राइटिंग का बहुत शौक है ना, आपने देखा होगा अभी डायरी भी इसी से वो लिखती है। और ये एक अम्ब्रेला उसको चाहिए था, तो ये एक अम्ब्रेला, ये तो शायद बहुत बार ब्लॉग में देखा है ना, तो ये भी नया लिया था, इन्हें के बर्थडे के लिए ही लिया था। ओके नेक्स्ट ये एलएल डॉल का बॉटल। हाँ और ये पहले हमारा वाला दिखाते थे जो हमने दिखा दिया। हाँ ये इन्हें की सीक्रेट डायरी जो इन्हें आजकल हर रोज का डे टू डे चीज लिखती है, ये भी बर्थडे अपने ब्लॉग में देखा है। चलो अब दिखाओ आपके जो गिफ्ट हैं, टेडी दिखा दिया क्या? सो ये एक टेडी मिला है अनन्या को। नेक्स्ट ये मामा मामी ने टाइडाई शर्ट दी है, खुद ही कलर करना है, शर्ट है उसको खुद ही आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप कलर कर सकते हो, टाई एंड डाई है ना। यस यस देखिए। ओके नेक्स्ट ये टॉम सॉयर की बुक। आइनिया इज अ बुक रीडर, हाई टाइम बिग टाइम, तो दो बुक्स और इसमें क्या है, इसमें यूनिकॉर्न कंपास है, यूनिकॉर्न स्केल है, यूनिकॉर्न पेंसिल्स है, यूनिकॉर्न शार्पनर है, यूनिकॉर्न इरेजर और यूनिकॉर्न क्रेयॉन्स भी है। गुड, तो ये पूरा यूनिकॉर्न का अनन्या का थीम वाला पूरा सेट है। ओके नेक्स्ट ये पूरा बड़ा, ये ऑलरेडी खेलना स्टार्ट कर दिया इन लोग बच्चों ने ऑलरेडी। क्विज है, स्पिन द पॉइंटर टू सेलेक्ट द टॉपिक, आंसर द क्वेश्चन, इफ द आंसर इज रॉन्ग फेस द पनिशमेंट। बेसिकली सही आंसर देना होता है, आंसर कार्ड रहते हैं उसमें आंसर्स लिखे रहते हैं, सही आंसर है तो ठीक, गलत आंसर है तो फिर कुछ तो पनिशमेंट। नेक्स्ट अनन्या, आंसर इज राइट, मूव अहेड टिल यू विन द क्राउन एंड द चेक। ओके मतलब वही आपका बोर्ड गेम्स जो होते हैं वैसा, जीके प्लस गेम। और ये कैंडल मेकिंग है बार्बी का, और ये स्लाइम। तो बेसिकली सारा अनन्या को बिजी रखने वाले सारे गिफ्ट्स मिले अनन्या को इस बार है ना। और ये क्यूट क्यूट से कार्ड्स लेके आए थे उसके फ्रेंड्स, ये लेके आई है सारा है ना, देखो ये है सारा ने दिया है कार्ड। नेक्स्ट ये यशिका ने दिया है बहुत क्यूट सा एक कार्ड, और ये है निहाली मैडम का कार्ड। हाँ पॉज करके देख सकते हैं। हाँ पॉज करके आपको पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, पीछे कुछ है इसके नहीं हुई। सो ये थे अनन्या के। ओके ये भी आप पॉज करके देख सकते हो क्या लिखा है। यस और सारा ने कुछ लिखा है, नहीं सारा का ड्राइंग है। सो ये थे अनन्या मैडम के इस साल के गिफ्ट्स है ना। सो इन गिफ्ट्स में से जिसका भी लिंक मुझे मिलेगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अनन्या के बर्थडे के दिन का डेकोरेशन, उसके बर्थडे ड्रेस, उन सब के आप लिंक्स मांग रहे थे तो वो मैंने कमेंट सेक्शन के बर्थडे का जो व्लॉग है ना उसके कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा, तो आप वहां से देख सकते हो। मैं इस वाले वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स वापस से दे दूंगी, डेकोरेशन के, अनन्या के कपड़े वगैरह सब कुछ, तो आप वो भी चेक कर लेना। सो फ्रेंड्स लंच हो गया है और मैडम का गेम चल रहा है। सुभाष का अपडेट ये है कि सुभाष का कल 12 o'clock के अराउंड रात को फोन आया था कि वो फाइनली जहां उनका होटल है जहां पे वो रुकने वाले हैं वहां पे पहुंच गए हैं। सो कितना नेवर एंडिंग ऐसा जर्नी लग रहा था, वो निकले थे थर्सडे 8 o'clock और फाइनली पहुंचे सैटरडे नाइट 12 o'clock। सो इतना लंबा जर्नी, बट यू नो कहते हैं ना सारी थकान मिट जाती है, तो उनकी पूरी थकान मिट गई। जो रूम है, रूम के सामने ही, मतलब रूम ओपन्स इनटू द सी, मतलब विंडो से पूरा सामने, पूरा के पूरा बीच दिखता है। मैं ऐसे थे, मुझे भी जाना है, हम कब जाएंगे। सो बहुत सुंदर है, मैं सुभाष को बोलूंगी कि शूट करके अगर पॉसिबल हो तो भेजे, तो मैं डाल दूंगी अपने किसी व्लॉग में है ना अनन्या। तो चलिए फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई रियली होप आपने एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, एंड इंस्टाग्राम शेयर करना और बेल बटन क्लिक करना। चलिए यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।